कहना क्या चाहते हैं आप? अबे दे दे क्या बोलो? 2 मिनट मैंने आज व्हाइट जैकेट पहनी है। So I'm super excited today because आज मैं 2023 का first Tested by Shivesh episode shoot कर रहा हूँ and ये series करते हुए मुझे 1 year हो गया है but for those of you who are new to it, this is where I test hacks, recipes and gadgets so you don't have to. And वैसे तो मेरे इस साल का one of the new year resolutions ये था कि मैं थोड़ी कम mindless scrolling करूँगा which hasn't happened and मैंने already काफ़ी घंटे reels पे scroll कर करके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज डिस्कवर करी है जो ऑलरेडी इस साल वायरल हो रही है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टेस्ट देम इन माय किचन टू फाइंड आउट वेदर दे एक्चुअली वर्क और नॉट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम टेस्टिंग समथिंग दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी टैंग हुलू. बहुत ही क्यूट सा नेम है एंड इट लुक्स वेरी सिंपल. इट्स अपेरेंटली अ चाइनीज स्नैक. सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए एंड आई लव स्ट्रॉबेरीज बट आई डोंट नो, मुझे आइडिया ऑनेस्टली इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है वेयर इन लोगों ने बेसिकली स्ट्रॉबेरीज को कैरमलाइज शुगर में कम्प्लीटली कवर कर दिया है. बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट इस साल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था इवन लास्ट ईयर टू यूज़ फ्रूट्स टू मेक वेरी सिंपल डिजर्ट्स. एक और मैंने देखा था रेसिपी जिसमें बेसिकली ग्रेप्स को आई थिंक चाट मसाला या कुछ डाल के फ्रीज करके ईटिंग दैट इज़ कैंडी. तो ये मुझे उसकी याद दिला रहा है. उसको किसी और वीडियो में टेस्ट करेंगे. इफ़ यू ट्राइड इट लेट मी नो हाउ इट टेस्ट. सो माय स्ट्रॉबेरीज आर हियर एंड लेट्स मेक स्ट्रॉबेरी टैंग हुलू. सो सबसे पहले मैं इन स्ट्रॉबेरीज को स्क्यूअर्स के ऊपर फिक्स करने वाला हूँ विच इज़ क्वाइट क्यूट. अब बेसिकली मुझे सारी स्ट्रॉबेरीज के साथ करना है. सो कम बैक इन 5 मिनट्स. सो माय स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप्स आर रेडी एंड अब मैं बनाने वाला हूँ कैरमेल. सो एंड अब मैं बनाने वाला हूँ कैरमेल. सो मेरे पास यहाँ पर एक सॉस पैन है. लेट्स पुट सम शुगर इनटू दिस. लेट्स पुट सम वाटर एंड अब इसको हम कुक करेंगे अंटिल दिस टर्न्स एम्बर गोल्डन ब्यूटिफुल कलर and we get our caramel. All right, so caramel ready ho gaya hai and now I'm going to take one of my strawberry, dunk it into the caramel and immediately into this ice bath. Let's do it. All right, I don't know if you can hear it but caramel completely hardened ho gaya and ye actually kafi zyada fun tha to make and आई थिंक आई एम रेडी टू ट्राई इट आउट. ऑल्दो मुझे अभी भी पता नहीं क्यों आई डोंट नो व्हाई मुझे खाते हुए थोड़ा वियर्ड लग रहा है. बी रेडी फॉर द ASMR क्रंच. ओके मतलब इट्स नॉट बैड बट मुझे ऐसा ज़्यादा रीज़न समझ नहीं आ रहा कि ये कोई क्यों करना चाहेगा बिकॉज ये ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे एक पहले स्ट्रॉबेरी खाई और फिर क्विकली एक गज्जक का बाइट ले लिया. बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज वो कैरमलाइज शुगर एंड वो स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा वाइब नहीं कर रहे साथ में. मैं भी ये स्ट्रॉबेरी टैंग हुलू के साथ ज़्यादा वाइब नहीं कर रहा हूँ बट दिस रेसिपी वर्क्स. सो आई डोंट नो, आई एम गोना रेट दिस 5 out of 10 बिकॉज मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया. न्यू रेसिपी गाइज वायरल फॉर 2023 स्ट्रॉबेरी बैंग हुलू. इसको बस क्यूआर पे लगा के ऐसे खा जाओ, विल टेस्ट मच बेटर ऑल्सो. टेन ऑन टेन. सो गाइज आई एम टेस्टिंग अ चिकपी न्यूटेला. बेसिकली अ हेल्दी वर्जन ऑफ न्यूटेला जिसको हम हेजलनट्स की जगह चिकपीज के साथ बनाने वाले हैं एंड इट इज़ क्वाइट माइंड ब्लोइंग. और अगर ये एक्चुअली अच्छा टेस्ट करता है तो आई थिंक दिस इज़ इनक्रेडिबल. एंड इस बंदे ने जो सेल किया है अपनी रेसिपी को, मतलब शुगर फ्री, ऑयल फ्री, डेयरी फ्री, हाई प्रोटीन, एक सेकेंड टेक टू, शुगर फ्री, ऑयल फ्री, डेयरी फ्री, हाई प्रोटीन, लो फैट, नट फ्री, एलर्जी फ्रेंडली चिकपी न्यूटेला, हेल्दीएस्ट न्यूटेला. मतलब आई एम सोल्ड, लेट्स मेक इट. यहाँ पे मेरे पास थोड़े से रोस्टेड चिकपीज हैं, इनको डाल देते हैं इनटू अ ब्लेंडर.
एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, अब इसके अंदर हम डालेंगे डेट्स दैट अलोंग विद सम कोको पाउडर एंड हॉट वाटर। Honestly, I have no idea ये कैसा turn out होने वाला है, but now we need to blend all of this together and let's see what happens. ये क्या? What? क्या? ये हुआ? But ये कैसे हुआ? मैंने आज white jacket पहनी है. Excuse me, ये ऐसे लग रहा है कि किसी हॉरर मूवी में किसी के ऐसे वेन कट हो जाती है और ब्लड ऐसे ऐसे करके निकलता है, ये एग्जैक्टली वैसे निकला है। दैट इज सो फनी, वी डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड बट आई एम गोना ट्राई वंस मोर। गाइस, इस सब के बाद भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया देन It's just rude. So guys, life और kitchen को risk करके healthy Nutella बन गया है and looks wise honestly it's looking quite decent. I just hope इसको खा के ऐसे ना लगे कि मैं chocolate वाली hummus खा रहा हूँ, chickpea का I hope इतना ज़्यादा strong taste ना आए। और इस healthy Nutella के साथ मैं खाने वाला हूँ एक buttery brioche because that's what balanced diet is all about. काफ़ी nice and spreadable consistency है इसकी। And now it's time for taste test. बहुत कड़वा है पता नहीं क्यों, but चिकनी का taste actually नहीं आ रहा है and that's actually सब I don't think कोई भी guess कर सकता है कि इसके अंदर चिकनी है। I just feel इसमें थोड़े से या तो maple syrup या honey की ज़रूरत है या फिर cocoa powder को थोड़ा reduce करने की because ये काफ़ी ज़्यादा bitter है, but besides that no chickpea taste for real and काफ़ी actually nutty सा taste आ रहा है which थोड़ा सा is reminding me of Nutella for some reason. So I actually quite like this recipe. I'm gonna rate this 8 out of 10 because मुझे इतनी expectations थी नहीं and जितना उस बंदे ने अपनी recipe को sell किया है आई थिंक थोड़ा टू एन एक्सटेंट इट स्टैंड अप टू द हाइप। So the next recipe that I'm testing is chocolate baked oats, but the fun twist here is that they're calling it the healthy substitute for chocolate cake, जिससे मेरी expectations काफ़ी ज़्यादा high हो जाती है because even if it's not उतना satisfying, it should be somewhere close to being chocolate cake level satisfying. So let's get started. By the way, मैंने भी chocolate baked oats बनाए थे beginning of this year and The only difference here is कि मेरी रेसिपी में ओट्स ब्लेंडेड नहीं थे, सो टेक्स्चर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर उनकी वीडियो में देख के थोड़ा सा केक ही टेक्स्चर लग रहा है विच इज़ ग्रेट। सो सबसे पहले लेट्स पुट सम ब्लेंडेड ओट्स इन टू द बोल। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ प्रोटीन पाउडर, साथ में कोको पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट। इसको मिक्स करके इसमें मैं डालने वाला हूँ मिल्क एंड देन मेपल सिरप। And now let's mix this together. So the batter is ready. अब इसको transfer करने वाला हूँ मैं into this glass ramekin. And now this goes into the oven. So chocolate oats are ready. And as you can tell कि ऊपर थोड़े से weird हो गए हैं, but that's because जो मेरे ramekin का size था वो थोड़ा छोटा था, तो थोड़ा batter overflow हुआ, थोड़ा कुछ rise हुआ, कुछ deflate हुआ। Some science has happened, but मेरे पास क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग भी रेडी है जो कि क्रीम चीज़, प्रोटीन पाउडर, कोको पाउडर एंड मिल्क से बनाई हुई है। मैं बार बार भूले जा रहा हूँ कि इसमें क्या डाला है। अब इसको हम स्प्रेड करने वाले हैं ऑन आर चॉकलेट ओट्स। सो आई नो ये दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, but we don't judge people or desserts by their looks. Taste karte hain, let's see. Iska texture actually bahut zyada fluffy and cakey lag raha hai. Please take a look. Jo proper chocolate mug cake vibe hai, actually waisa lag raha hai.
फ्रॉस्टिंग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरी है. आई डोंट लाइक द फ्रॉस्टिंग एट ऑल. आई एम ओनली गोना टेस्ट द थोड़ा इट्स ड्राई बट द केक इज नॉट बैड. द फ्रॉस्टिंग आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. कुछ ज़्यादा ही ओवरपावरिंग और कुछ ज़्यादा ही टैंगी सा टेस्ट है. बट द केक यू कैन एक्चुअली मेक इफ यू वॉन्ट टू ईट अ हेल्दी डिजर्ट. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया. केक को मैं रेट करने वाला हूँ 8 out of 10. बट द फ्रॉस्टिंग नॉट एप्लीकेबल. ओके सो द नेक्स्ट रेसिपी दैट आई एम टेस्टिंग नाउ इज स्ट्रॉबेरी जिंजर एल. आई लाइक जिंजर एल. आई डोंट लव जिंजर एल बट आई लव द आइडिया ऑफ मेकिंग जिंजर एल एट होम. एंड ये रेसिपी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है. सबसे पहले ऑफकोर्स आई एम गोना यूज सम जिंजर. एड दिस इन टू द ब्लेंडर एंड इसमें आई एम गोना पुट थोड़ा सा पानी. And now we will blend it together. So ginger puree is ready. अब यहाँ पर एक सॉस पैन है जिसमें मैं डालने वाला हूँ वाटर and some sugar. And अब ये ginger puree डाल देते हैं into our water. And let's mix this together. पूरे किचन में बहुत ही जिंजरी स्मेल आ रही है एंड दिस इज़ रेडी नाउ. ऐसा लग रहा है मैं घर पे विक्स की गोली बना रहा हूँ पर ऐसी स्मेल आ रही है एक्चुअली जैसे कुछ बहुत ही हनीटास विक्स टाइप वाइब हो. बट इसको अब हम लोग गैस से हटा गैस इंडक्शन अब इसको इंडक्शन से हटाकर आई एम गोइंग टू सीव दिस इनटू अ बोल. All right, and now इसके ऊपर आई एम गोइंग टू पुट सम yeast. एंड our जिंजर एल का प्रेपरेशन इज डन. यहाँ पर एक ग्लास बॉटल में मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व स्ट्रॉबेरी प्योरे लिया है एंड इसके ऊपर अब मैं पोर करने वाला हूँ हमारा जिंजर एल. एंड सो दिस इज रेडी. And I have a great feeling about this. I think ये बहुत अच्छा होने वाला है. But इसको मैं अभी taste नहीं कर सकता. इसको हमें rest करना है for one day. तो मैं कल taste करके I'll share my reaction and rating with you. 3 days later. So guys, the truth is that हम ये बना के भूल गए इस बेचारे को. तो ये I think 3 days से पड़ा हुआ है. इसको I think एक रात के बाद check करना था जो कि नहीं हुआ. बट बिकॉज ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक है आई डोंट थिंक ये खराब होनी चाहिए. सो लेट्स ओपन इट एंड सी हाउ इट टेस्ट. लेट्स ट्रांसफर इट इन टू अ ग्लास एंड टेक अ सिप. पता नहीं क्यों बट मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है ये पीने में. बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एंड जिंजरी स्मेल है बिकॉज ये ऑब्वियसली एक जिंजर एल है. आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल है फॉर मी. मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही जिंजर का टेस्ट आ रहा है. ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत ही मेडिसिनल काढ़ा टाइप पी रहा हूँ. एंड आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा फर्मेंट भी हो गया है. बट इस रेसिपी को मैं रेट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ये मेरी गलती है कि मैं इसको बना के भूल ही गया कि मैंने इसको बनाया था. इसको मैं फिर से ट्राई करूँगा. So for now, there is no rating for this recipe. Meanwhile, you let me know in the comments if you'll try this out. And agar aapne ye recipe already try kari hai, to mujhe batao ye kaisi bani. So I get encouraged to make this again. ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज आई रिमेंबर मैंने बाली में सबसे पहले बहुत साल पहले ये पापड़ रोटी बन खाया था. एंड उसके बाद से मैंने वियर्डली कभी नहीं खाया. इट्स कम टू इंडिया मैंने फिर भी उसके बाद कभी नहीं खाया है. सो आई एम एक्साइटेड टू मेक इट एट होम. काफ़ी सिंपल रेसिपी लग रही है. सबसे पहले इन अ बोल आई एम गोना ऐड सम हॉट वाटर एंड देन सम कॉफी पाउडर. नाउ इसके अंदर डालेंगे आइसिंग शुगर इसके अंदर लेट्स ऐड सम एग मिक्स कर लेते हैं and then some maida. This looks good. और अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा softened butter.
ऑल राइट, सो दिस इज रेडी, बट ये अभी काफ़ी लिक्विडी एंड फ्लोई हो रहा है, तो इसको थोड़ा रेस्ट करने देंगे ताकि बटर सेट हो जाए एंड इट बिकम्स थोड़ा सा थिक. एंड अब इसको मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ इनटू द पाइपिंग बैग एंड देन वील पाइप इट ऑन द टोस्ट जो कि यहाँ पे रेडी है. एंड नाउ आई विल बेक दिस एट 180 डिग्री सेल्सियस जब तक जो इसका कॉफी टॉपिंग है वो हार्ड ना हो जाए. सो आवर चीट पापा रोटी टोस्ट बन सिचुएशन इज रेडी. एंड ये दिखने में ऑनेस्टली इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट ये ऊपर की लेयर काफ़ी क्रंची हो गई है. इंसर्ट ASMR. एंड नाउ आई एम रेडी टू टेस्ट इट. लेट्स गो. काफी ज्यादा यम है. आई थिंक व्हेन यू वांट योर ब्रेकफास्ट ऑन गो एंड आपको ऐसे टाइम नहीं है टू ईट अ टोस्ट सेपरेटली एंड कॉफी सेपरेटली, तो ये अच्छा है कि टोस्ट के ऊपर ही कॉफी का लेयर हो गया है. जस्ट वन थिंग एंड इट्स रेडी. एंड ये एक्चुअली काफी ज्यादा यम है. बनाना भी काफी ज्यादा ईजी था. दिस इज अ रेसिपी दैट आई थिंक मैं शायद फिर से बनाऊँ. सो आई एम गोना रेट दिस अ 9/10. दिस वर्क्स फॉर मी एंड आई लव इट. सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन टेस्टिंग दीज रेसिपीज आउट एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे भी इस साल और टेस्टेड वीडियोज शूट करने के लिए, बिकॉज पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ फन शूटिंग दीज एंड आई होप दैट यू ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग दैम. इफ यू डू लेट मी नो बाई हिटिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाई शिवेश.